हेलो फैमिली, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद एन के, और मैं हूं करण कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि मैं हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो दिखाता रहता हूं। तो आज इस सिलसिले में आ चुका हूं अपने वाराणसी के चांदपुर चौराहे पर अभी हूं, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां पर सामुदायिक शौचालय था, यानी कि चांदपुर चौराहे पर। आप लोगों को जो भी जानते होंगे उन्हें पता होगा कि यहां पर एक सामुदायिक शौचालय था जो कि तोड़ लिया गया, क्योंकि वो दोनों रोड के जद में आ रहा था। चांदपुर अकेलवा 4 लेन और मोहनसराय लहतारा 6 लेन के बीच में आ रहा था, तो उसको तोड़ के हटा लिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोहनसराय से लहतारा तक जो 11 किलोमीटर का सड़क है उसे 6 लेन किया जा रहा है, और जिसका लागत लगभग 250 करोड़ रुपए है, और जिसका टेंडर CSIL कंपनी को दिया गया है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। इसमें मेन रोड के साथ साथ सर्विस रोड का भी काम हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रहा है, और मोहनसराय में रोड बन के तैयार भी हो गया। तो आज मैं आप लोगों को पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ पूरे डिटेल में मैं चल के दिखाऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। उससे पहले आपको बता दो दोस्तों कि आज 16 फरवरी है 2024 और दिन शुक्रवार, और अभी शाम के 3 बज रहे हैं, और मैं वीडियो आप लोगों को मोहनसराय से दिखाऊँगा। तो चलिए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, चलिए चलते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग मोहनसराय से वीडियो को शुरू कर दिए हैं, और यहाँ से चल रहे हैं आगे, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ से क्या कार्य हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग मोहनसराय से आगे बढ़ेंगे, यानी जैसे कि हम लोग NH90 को छोड़ेंगे और वाराणसी सिटी में इंटर करेंगे, वैसे इधर रोडों की खनाई खुदाई काफ़ी ज़ोरों शोर से हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और सामने ही देख रहे हैं, इधर रोड भी बनाने का काम हो रहा है, देख रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोर से ये रोड बनाने का काम हो रहा है। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है CSIL कंपनी का जो है, क्योंकि बीच में फर्स्ट लेयर की ढलाई हो रही है, इस वजह से ये बोर्ड लगाया गया है, देख रहे हैं। और ये साइड से ये रोड बना दिया गया है ताकि लोग आवागमन आसानी से कर सकें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रोड जो है 56 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, और दोनों साइड में नाला सर्विस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और ये रोड जो है 6 लेन है, और बीच में देख रहे हैं ये रोड जो होगा ये मेन रोड होगा, और ये साइड का रोड होगा, यानी कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर मतलब जो भी चाहे वो आ जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ये मेन रोड होगा। जिसको सीधे सिटी से बाहर जाना है ये उनके लिए मेन रोड होगा, वो आसानी से जा सकते हैं, और ये साइड का रोड है, और ये काफ़ी अच्छा है। ये जो है ये ताड़कोल का अलकतरे वाला बनाया जा रहा है, और जो बीच का मेन रोड है वो ढलाई करके बनाया जा रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये सर्विस रोड इसको बोल सकते हैं, तो ये तैयार कर लिया गया, आवागमन के लिए खोल दिया गया, और बीच में जो है अभी मिट्टी और वो सॉरी गिट्टी डालकर समतल किया गया है। तो मैं आप लोगों को एक बार बीच में से भी दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हैं इधर जो है गिट्टी डाल के समतल किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे एकदम बिठा दिया गया, समतल कर दिया गया है, और वो रोड तो आने जाने के लिए खोल ही दिया गया है, और ये जो रोड बनाया जाएगा ये ढलाई करके बनाया जाएगा। तो दाहिने साइड का तो रोड एकदम तैयार हो गया, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था एकदम क्लियर। तो अभी इधर का भी जो है कि अब धीरे धीरे कार्य हो रहा है, और सामने देख रहे हैं यहाँ पे एक पुलिया लगाया जा रहा है, जिसके लिए कि यहाँ पे खनाई खुदाई का काम हो रहा है शायद। हाँ, यहाँ पे देखिए पुलिया बनाया गया, तो एक साइड का हो गया था, तो ये दूसरे साइड का भी, अब दूसरे लेन का भी यहाँ पे खुदाई करके पुलिया लगाया जा रहा है, देख रहे हैं ये पुलिया लगाने का काम हो गया। अब यहाँ पे गिट्टी डाल के इसे समतल किया जा रहा है, ये समतल किया जा रहा है काफ़ी ज़ोरों शोर से, देख रहे हैं। और इधर जो है कि बस दाहिने साइड में जो है गिट्टी डाला गया और समतल किया गया है, देख रहे हैं। ये जो सामने ट्रक आ रहा है ये CSIL कंपनी का है, जो कि गिट्टी लाद कर लेकर आ रहा है, और धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर डे यानी कि डेली लगभग 30 से 35 हज़ार वाहनों का आवागमन होता है, जिससे कि इस रोड पर भीड़ लगने का संभावना, मतलब भीड़ नहीं जाम लगने का संभावना काफ़ी बना रहता है, जिसे इन्हीं सब को देखते हुए इस रोड को 6 लेन बनाने का डिसीजन लिया गया। और ये रोड जो है वो दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे यानी कि NH90 से अगर आप आ रहे हैं तो सीधा वाराणसी सिटी में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग होता है, तो इस वजह से भी इसे 6 लेन किया जा रहा है, क्योंकि ये 4 लेन था, लेकिन फिर भी ये उतना वाहनों को नहीं संभाल पा रहा था, यानी कि अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेंडर है वो
CSIL कंपनी को दिया गया है, जिसे कि छात्र शक्ति के नाम से जाना जाता है, और इसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए है। तो देख रहे हैं ये टोयोटा, राजेंद्र टोयोटा के जस्ट सामने ये फाइनल ईयर की ढलाई का काम हो रहा है, यानी कि फिलहाल में तो मशीन बंद है, लेकिन मशीन लगा हुआ है जो कि फाइनल ईयर का ढलाई करता है। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि लगी हुई हैं, और ये रोड काफ़ी चौड़ा हो जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड में नाला सर्विस कॉरिडोर के साथ साथ बीच में 1 मीटर का डिवाइडर भी बनाया जाएगा, जिसमें कि फूल पत्ते लगाए जाएंगे और लाइट भी लगाया जाएगा, लाइटिंग की अच्छी खासी व्यवस्था की जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रोड पर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी पहले ही मुआवजा सबको दे दिया गया था और उस हिसाब से ज़मीन को छोड़ा गया था, लोगों ने उतना ज़मीन छोड़ दिया था। हाँ, कुछ लोग थे जो कि रोड के जगह में भी मकान बनवाए थे, तो उनके मकानों को जो है वो तोड़ दिया गया है, तोड़ के हटा लिया गया। जैसा कि इधर देख रहे हैं बाएं साइड में ये सब मकान जो है आगे से एक एक रूम, दो दो रूम तोड़ के हटा लिए गए हैं। यहाँ पे लोग एकदम किनारे तक, रोड के किनारे तक अपना घर बनाए हुए थे, तो इनका सब तोड़ के हटा लिया गया और इन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया, क्योंकि अवैध रूप से बनाया गया था। और मैं आप लोगों को इस साइड से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं दाहिने साइड का आप लोगों को एक बार दिखा दिया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और इधर जो भी नया काम हो रहा है वही मैं आप लोगों को आज दिखाने के लिए आया हुआ हूँ। और 3-4 दिनों से बारिश हो रहा था और मैं वीडियो भी नहीं बनाने आ रहा था, और पूरे दिन जो है कि बादल छाए रहते थे तो वीडियो क्वालिटी डाउन हो जा रहा था, लेकिन आज देखिए धूप है तो काफ़ी अच्छा है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छा आ रहा है और काम भी हो रहा है, नहीं तो काम भी बंद था जब बारिश हो रहा था तो। और आई थिंक वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी दोनों ठीक आ रहा होगा, बेटर आ रहा होगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं इधर गिट्टी डाला गया है, एकदम गिट्टी डाल के समतल किया गया है। और मैं कैमरा एंगल थोड़ा नीचे इसलिए किया हूँ ताकि आप लोग जो रोड का मेन काम है वो देख पाएँ, क्योंकि एक भैया जी हैं मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो ये काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का कि आप लोग मेरी गलतियों को बताते हैं कि हाँ ये गलती है और ऐसे करो तो ऐसे होगा, या फिर वीडियो मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग बताते हैं, तो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिलता है लाइक और वीडियो बनाने में भी। देख रहे हैं ये जो है ये मेन रोड बनाया जाएगा जो कि ढलाई करके बनाया जाएगा, और साइड में जो है वो सर्विस रोड बनाया जाएगा, जिससे कि नॉर्मली जिसको रुकना है बीच में कटना है ये उनके लिए होगा वो रोड। देख रहे हैं जैसा कि मैं आप लोगों को चल के दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ तक जो है ना, ये जो है ये अलकतरे वाला रोड बनाया जाएगा, सर्विस रोड भी जिसे बोल सकते हैं। और इस वाले रोड पर जो है 3 डिवाइडर बनाया जाएगा, एक सर्विस रोड के बाद बनाया जाएगा, फिर मेन रोड के बीच में बनाया जाएगा, फिर उस मेन रोड के बाद उस साइड यानी कि दाहिने साइड पर सर्विस रोड के और मेन रोड के बीच में एक डिवाइडर बनाया जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडर बनाया जाएगा, 2 1 3 डिवाइडर, सॉरी गलती से 2 निकल गया है मुझसे मेरे, तो 3 डिवाइडर इसमें बनाया जाएगा। देख रहे हैं अभी हम लोग जगतपुर में आ चुके हैं, जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगतपुर, देख रहे हैं जस्ट उसके गेट के सामने जो है नाला सर्विस कॉरिडोर बनाने का काम हो रहा है, जो कि ढलाई का काम हो रहा है। देख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, इधर पूरा खोद दिया गया है। और आगे चलते हैं और आगे भी देख लेते हैं कि उधर क्या काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़ोरों शोर से अब काम हो रहा है इस जो है कि प्रोजेक्ट में, काफ़ी रफ्तार आ गया है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्विस रोड पहले तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से लोग अपना आवागमन कर सके, किसी को भी अवरोध ना हो। देख रहे ये जगह जगह पर ये जो सर्विस कॉरिडोर
मतलब सॉरी सर्विस गाइड होने, जो सर्विस रोड बनाने का काम है वो काफ़ी जोरों शोर से हो रहा है। पूरा गिट्टी एकदम फैला के समथल कर लिया गया है, अब उसको बस बनाना रह गया, यानी कि अलकतरे वाला रोड बनाना रह गया है। और दाहिने साइड में तो फिलहाल में फर्स्ट लेयर का ढलाई हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ नहीं है। और मैं आप लोगों को मेन ये जो गिट्टी डाला गया उस पर से चल के दिखाऊंगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो ये सामने ये मशीन जो है ये गिट्टी को समथल करता है, मिट्टी को समथल करता है, मतलब ये समथल करने का काम करता है। देखिए ये है ना, गिट्टी डाला गया है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बिठा दिया गया एकदम गिट्टी को। अभी हम लोग जो है मेन रोड छोड़ के सर्विस रोड वाले हिस्से से चल रहे हैं और आगे जो है मिट्टी डाला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे गहरा है और वहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत है नाला सर्विस कॉरिडोर के बगल में, इस वजह से यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है। देख रहे हैं और आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है जगह जगह पर। देख रहे हैं इधर भी मकान तोड़ा गया है, इधर देखिए अभी गिट्टी डाल के समथल करना बाकी है, मतलब एक लेयर हो गया है मिट्टी और गिट्टी डाल के समथल हुआ, लेकिन अभी इसके बाद एक लेयर और डाल के इसको बिठाया जाएगा और समथल किया जाएगा। मैं आप लोगों को इसीलिए इस पर चल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस हिसाब का ये बिठाया गया है। चलिए इधर चलते हैं रोड पर, इधर देख रहे हैं इधर पुलिया लगाया जाएगा, दाहिने रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पुलिया लगाया जाएगा, वो देखिए कहाँ पे लगाया जाता है, कहीं भी लगाया जाए कि आप लोगों को पता हो, जब लगाने का काम शुरू हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आके उसका वीडियो बना सकूं, कवर कर सकूं, उसको आप लोगों को दिखा सकूं, बाकी लोगों को दिखा सकूं। और नाला सर्विस कॉरिडोर जो है ना वो काफ़ी ज़ोरों शोर से बनाया जा रहा है क्योंकि अभी बनाया नहीं गया था इधर, तो ये चीज़ है कि उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। और ये और मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि इसमें पेड़ वगैरह जो है वो तो काफ़ी पहले ही काट दिए गए थे और जो है कि बिजली के खम्भे भी शिफ्ट कर लिए गए हैं इधर। तो फिलहाल में जब आप मोहन सराय से रोहनिया आएंगे तो मोहन सराय से रोहनिया के बीच में तो सब जो है पोल भी शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब आगे जब आप यहाँ से बढ़ेंगे तो इधर अभी नहीं शिफ्ट किया गया है पोल, यानी कि यहीं तक पोल को जो है शिफ्ट किया गया है। और इधर देख रहे हैं अभी कोई भी मतलब से कि बस किनारे किनारे पे अतिक्रमण हटाने काम हो रहा है, देख रहे हैं दोनों साइड पे ऐसे ही खोदा गया है, इधर साइड पे ऐसे ही पूरा खोद के एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है, बारिश हुआ था इसकी वजह से। देख रहे हैं लोगों के एकदम मकान के पास तक एकदम किनारे किनारे तक पूरा खुदाई का काम होगा, अभी अभी तो बस समथल किया गया, आगे जो था किसी का छोटा रूम कोई बाथरूम वगैरह जो भी था किनारे पे रोड के जगह में वो सारा तोड़ के हटा लिया गया है। और अभी हम लोग जो है कि रोहिया मार्केट में आ चुके हैं, देख रहे हैं सच्चा लाइन पंप डाल लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है क्योंकि क्या कि ये मार्केट है और यहीं से अभी जो फोर व्हीलर कट रहा था वो सीधे चला जाता है NS 90 के लिए घूम फिर कर, और ये जो रास्ता ये सीधा चला जाता है कोरोता के लिए और लोता के लिए, और मार्केट होने की वजह से यहाँ पर ना जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर देखिए एक तो सुबह में 8 बजे के बाद यानी कि 8 बजे से 11 बजे के बीच में जाम की संभावना रहती है, और उसके बाद फिर दोपहर में वही 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में जो है कि जाम की संभावना अधिक रहती है और जाम लगा रहता है। इधर जो है कि विसर्जन की तैयारी हो रही है, और जैसे ही आप रोहनिया बाजार से आगे बढ़ेंगे भुल्लनपुर के साइड तो देख रहे हैं दोनों साइड में मिट्टी का ढेर बनाया गया है, क्योंकि उधर जगतपुर में मोहन सराय में और रोहनिया में जहाँ जहाँ पे मिट्टी की खुदाई हो रही है और वहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता नहीं है
तो वहाँ से पूरा इकट्ठा करके ले आया जा रहा है, यहाँ पे उसका ढेर बना दिया जा रहा है, फिर जहाँ पे भी जरूरत हो रहा है वहाँ पे यहीं से उठा कर ले जाया जा रहा है। देख रहे इधर तो अभी फिलहाल में कुछ नहीं हुआ है, अभी मेन हम लोग बुल्लनपुर में है, यहीं पर देखिए एक रास्ता कटा हुआ है दाहिने साइड में जो कि पीएचसी के लिए चला जाता है। देखिए यहाँ पे एक पेड़ बचा हुआ था दाहिने साइड में, वो भी काट के हटा लिया गया है। और इधर तो लगभग में जो रोड के बीच में आ रहा था पेड़ वो तो काट लिया गया, और अभी देख रहे हैं आप किनारे किनारे पे पेड़ बचा हुआ है, तो ये भी अभी कटेगा, अभी इसको काट के नहीं हटा गया, अब जिस रीजन से भी छूटा हुआ हो लेकिन अभी इसको भी काट के हटाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाया जाएगा, ये सब देख रहे हैं ये सारे के सारे पेड़ हटा लिए जाएंगे। काम हो रहा है इसमें जो है कि मोहन सराय साइड में भी मेन काम हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट मोहन सराय है, तो मोहन सराय से काम होते हुए धीरे धीरे रोहनिया, फिर सलकी फॉर्म, फिर लातारा के साइड आ रहा है। हाँ एक बात है कि जो है कि प्रोजेक्ट में काफ़ी स्लो गति है, काफ़ी धीमे रफ्तार से काम हो रहा है। अभी हम लोग मोड़ैला तिराहे पर आ गए हैं, सीधा रास्ता चांदपुर के लिए चला जाता है, और दाहिने साइड जो रास्ता कटा हुआ है देख रहे हैं ये चला जाता है मुरवाड़ी के लिए। और इधर जो कृषि विभाग का बाउंड्री, हाँ हालांकि इधर का तो जो बाउंड्री वो काफ़ी अंदर बनवाया गया था पहले से ही, लेकिन इधर किनारे पेड़ बहुत सारे थे तो वो सारे काट के हटा लिए गए हैं, तो देख रहे हैं काफ़ी खुला खुला लग रहा है एकदम। इधर साइड का पूरा बाएं साइड का जो पूरा पेड़ है वो सारा काट के हटा लिया गया है, हाँ दाहिने साइड पर भी बचा हुआ है, तो दाहिने साइड का भी काफ़ी जल्दी काट के हटा लिया जाएगा। देख रहे ये है ना गेट यहाँ पे, ठीक इधर भी देख रहे हैं मिट्टी तो समतल किया जा रहा है, इधर भी मिट्टी समतल किया गया है, मैं देखिए कहीं से कुदाने लायक है तो अंदर थोड़ा कुदा रहा हूँ। देख रहे हैं इधर भी है ना ये मिट्टी डाला गया है और इसको समतल कर दिया गया है, तो बारिश होने के बाद ये मिट्टी अच्छे तरीके से बैठ गया है एकदम, देख रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से एकदम मिट्टी बैठ गया है, देख रहे हैं। अब आगे निकलेंगे कैसे, आ तो गया लेकिन निकलेंगे कैसे, चलिए वैसे किनारे तक तो पहुँच ही जाएंगे चौराहे तक, गलती किया ना मुझे इधर से नहीं अंदर आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को दिखाना था तो इस वजह से मैं आया हुआ हूँ। देख रहे हैं यही स्थिति है, और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि सामने जो कोने पे आने के जो रोड चला जाता है रिंग रोड के लिए, और इस रोड के कोने पर जो सामुदायिक शौचालय था वो भी तोड़ के हटा लिया गया है, क्योंकि वो पूरा रोड के जगह में था इस वजह से उसको तोड़ के हटा लिया गया है। और अभी हम लोग निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं से निकल जाएं तो अच्छा होगा। चलिए आप लोगों को दिखाना था मेन, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, चलिए इधर से साइड से चलते हैं और बाहर आप लोगों को दिखाते हैं आगे का जो नज़ारा है वो सब कुछ कवर करके मैं आप लोगों को इस साइड से चल के दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं इधर है ना, इधर जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे वो भी हटा दिए गए हैं यहाँ से,
और पूरा का पूरा जगह एकदम साफ कर दिया गया है, देख रहे हैं। नहीं तो जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे सब यहीं किनारे पे अपना रहते थे, झोपड़ पट्टी लगा के मड़ी उड़ी लगा के रहते थे, लेकिन वो अब किनारे पे हैं। बस थोड़े थोड़े जगह में थोड़ा सा वो जो है पन्नी छा कर, और सामने ही था शौचालय जो कि तोड़ के हटा लिया गया है। मैं आपको और थोड़ा पास चल के दिखा रहा हूँ, अब इतना ही गया हूँ तो इतना दूर और इसी में से चला जाए और आप लोगों को क्लियर दिखा दिया जाए, देख रहे हैं यहाँ पे है ना। सामने ही था, यहीं पर था तो तोड़ के हटा लिया गया है। और यहाँ देखिए एक छोटा सा मंदिर है, और साथ में आपको ये जो रास्ता आप देख रहे हैं कि बाएं साइड में कटा हुआ है, ये चला जाता है लोहता से होते हुए रिंग रोड पे, यानी कि ये वाराणसी भदोही मार्ग है। तो मेन अभी काम जो है कि यहाँ तक हो रहा है, उसके आगे फिर लहरतारा तक भी काम हो रहा है, तो मेन अभी यहीं बीच में ही काम हो रहा है। तो यही सब आप लोगों को दिखाना था। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।